गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक वन ऑफ द टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. व्हाट इज द आइडेंटिटीज? आइडेंटिटीज क्या होते हैं? आइडेंटिटीज आर इक्वेशन. क्या होते हैं? इक्वेशन. आइडेंटिटीज क्या होते हैं? इक्वेशन होते हैं विच इज सेटिस्फाई ऑल द वैल्यू ऑफ सभी वैल्यू पे सेटिस्फाई होने वाला जो इक्वेशन होता है दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडेंटिटीज. उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज बोलते हैं. जैसे क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. यही है ना? ये इक्वेशन है. क्यों इक्वेशन है? क्योंकि इसके पास दो साइड है, एक एल एच एस है, दूसरा क्या है? आर एच एस. और बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में एक इक्वल टू साइन है. इससे फॉर्म हो रहा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या है? इक्वल साइन है. तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नोन एज इक्वेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पे इक्वेशन और आइडेंटिटीज में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? ये क्लास एट में हम लोग डिस्कस किए थे क्या होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में. जो इक्वेशन होता है जैसे क्या है, 2x इज प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 नेगेटिव 7. इसमें क्या है, इस टाइप वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, x की एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसपे क्या होगा, LHS और RHS इक्वल होगा. मगर यहाँ क्या है, a और b के कोई भी वैल्यू अगर हम सपोज करते हैं सभी वैल्यू पे, ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें सभी वैल्यू पे क्या होते हैं स्पेसिफाई सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्या, उस इक्वेशन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज बोलते हैं. ओके, तो देखो आज हम जो बात करने वाले हैं ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास एट में. इसी का हल्का सा रिकैप करते हैं, फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो हियर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए. ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग को अराइज हो रहा होगा कि आइडेंटिटीज हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी नीड क्या है, क्या जरूरत थी इसकी? तो इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज क्या है जो हम कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग प्रोसेस में, उसको ये क्या कर देता है? सॉर्ट कर देता है. जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर क्या लिखा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए. अब इसे ओपन करोगे, कैसे ओपन करोगे? ऐसे ओपन करोगे, एक्स टाइम ऑफ एक्स प्लस ए, फिर ए टाइम ऑफ एक्स प्लस ए, फिर सॉल्व करोगे. तो इसे सॉल्व करने में क्या हो जाए, एक लंबा प्रोसेस लग रहा है, लग रहा है? अब इसे लिखोगे x प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. तो दिख रहा है कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमने थ्री मोर देन टू स्टेप हमने क्या किया, इन्वॉल्व किया है. अब अगर इसी चीज़ को आइडेंटिटी से करना होता तो क्या हो जाता, बहुत ही सिंपल होता. इससे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी. अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर. लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर. ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, एक्स, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, ए, ए का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू क्या है, ए. तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. देखो ये इक्वेशन क्या हो गया, वन स्टेप में सॉल्व हो गया. ठीक, सिर्फ क्या करता है, आइडेंटिटीज क्या करते हैं, जो लॉन्ग एक्सप्रेशन होते हैं उसे सॉर्ट कर देता है, लॉन्ग कैलकुलेशन को सॉर्ट कर देता है. ठीक है, चलिए
कुछ आइडेंटिटीज यहाँ हम लोग देख लेते हैं जो बायनोमियल की बात कर रहे थे। पहली आइडेंटिटी हम लोग का देखो, अगर एक्सप्रेशन लिखा है किसमें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में, या इसी चीज़ को लिखा जा सकता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, देन क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, या ऑर्डर चेंज हो सकता है। क्यों, यहाँ पे एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम इस ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट सेकेंड की बात करें हम लोग, अगर एक्सप्रेशन लिखा हो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो बायनोमियल टर्म है, यहाँ बायनोमियल की बात कर रहे हैं, दो बायनोमियल टर्म है, एक क्या a माइनस बी है, दूसरा क्या है इंटू ए माइनस बी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a का होल स्क्वायर प्लस या माइनस बी टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे क्या लिखते हैं, तुम लोग क्या करते हो, 2x नेगेटिव 3 है होल स्क्वायर लिख, तो लिखते हो क्या 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस माई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे राइट करते हैं, 3 का होल स्क्वायर राइट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर ये तो ऑलवेज सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया ना, यहाँ क्या होगा, अगर इसे 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है। इसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने राइट किया है a का होल स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं, अगर एक्सप्रेशन हमारा किस फॉर्म में है, x प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक कोई कन्फ्यूजन। एक और आइडेंटिटी है इसमें बायनोमियल में, x प्लस ए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों टर्म में इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म दोनों सेम हो, मगर सेकेंड टर्म क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस केस में क्या होगा, x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम ऑफ x प्लस क्या होगा a इंटू, ये फोर बेसिक आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी हम लोग सेवेंथ में डिस्कस किया गया था, इसका डेरिवेशन भी किया गया है सेवेंथ में, एट में भी हम लोग किए होंगे इसका, ठीक। अब इस पर रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, इस जो गिवन क्वेश्चन है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे, बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज की बात करके हमने डिस्कस किया था अभी आप लोगों से। तो यहाँ देखो क्या है, पहला x प्लस टू इन प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो हमने बताया था इसे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, दो बायनोमियल सेम बायनोमियल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कितने बार मल्टीप्लाई हुए, टू टाइम, तो टू स्क्वायर हो गया, अगर थ्री टाइम होता तो क्यूब हो जाता, फोर टाइम अगर होता है तो इस टर्म के पावर फोर हो जाता है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ क्या, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया, अभी बताया सिंस क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल प्लस टू ए बी, ऑर्डर हमने कहा था चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं होगी, या इसी को तो यहाँ देखो, हियर ए इज इक्वल टू क्या है एक्स और बी इज इक्वल टू क्या है टू, यही है ना। देन क्या होगा देखो, ए की प्लेस पे क्या है एक्स है, बी की प्लेस पे क्या है टू है, तो क्या होगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर मीन्स दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है एक्स, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू, टू इंटू ए, टू इंटू ए, ए क्या है एक्स इंटू बी, बी क्या है टू। ओके नाउ ओपन दिस वन, एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, टू का होल स्क्वायर मीन्स फोर, टू इंटू टू इंटू एक्स टू टू जो फोर इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस फोर एक्स। ठीक, कोई कन्फ्यूजन या इसे अरे सिंप्लीफाई फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, डिक्रीजिंग डिग्री के फॉर्म में रखा जाता है, इसका डिग्री क्या था टू, इसका वन, इसका क्या हो गया जीरो, तो इसे लोएस्ट फॉर्म में रख दिए, इसका आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। कोई कन्फ्यूजन, चलो सेकेंड करते हैं। सेकेंड क्या है ध्यान से देखो, टू वाई माइनस फाइव एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है टू वाई माइनस फाइव, मतलब सेम टर्म आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टू वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर, यही होगा ना, कोई दिक्कत। तो अभी बताया था कि सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, तो यहाँ देखो हियर ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है टू आई है, बी इज इक्वल टू क्या है फाइव है। कंपेयर करें देखो, ए के प्लेस पे क्या है टू आई, बी के प्लेस पे क्या है माइनस बी है, यहाँ भी माइनस फाइव है, तो बी क्या है फाइव है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन, तो इसे ओपन करें तो आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर मीन्स टू वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टू वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मीन्स फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए क्या है टू वाई, बी क्या है इंटू फाइव, यही है ना। चलो इसे ओपन करें तो आपको क्या मिला टू वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी फाइव माइनस टू इंटू टू फोर, फोर इंटू फाइव ट्वेंटी इंटू वाई ट्वेंटी वाई। देखो फिर इसको रीअरेंज कर लें, फोर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई प्लस क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है क्या है ध्यान से देखो, टू प्लस थ्री एक्स है, टू प्लस थ्री एक्स और क्या है दूसरा टू माइनस थ्री एक्स, यही है ना, टू प्लस थ्री एक्स है और टू क्या है टू माइनस थ्री एक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे। अब देखो ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी है, दूसरा क्या है ए माइनस बी है, द एक्सप्रेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू क्या होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ देखो ए क्या है टू है, बी क्या है थ्री एक्स है, ए क्या है टू है, बी क्या है निगेटिव थ्री एक्स है। ओके तो हियर ए इज इक्वल टू क्या है टू, बी इज इक्वल टू क्या है थ्री एक्स है, सो क्या हो जाएगा टू प्लस थ्री एक्स इंटू टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू का होल स्क्वायर मीन्स फोर माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन है,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पे, क्या है x प्लस नाइन, x प्लस नाइन प्लस इंटू क्या है x माइनस 12। तो यहाँ देखो दिस एक्सप्रेशन आर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस बी कहें, दिस एक्सप्रेशन आर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या बताए थे, x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम ऑफ x प्लस ए बी, यही था ना। तो यहाँ देखो x के प्लेस पे क्या है, x ही है, a के प्लेस पे क्या है 9, x के प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे क्या है नेगेटिव 12 ना। क्यों है? कह रहे नेगेटिव 12, इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस नेगेटिव 12 लिख सकते हैं। देखो तो x प्लेस पे क्या है x, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, x स्क्वायर, तो यहाँ देखो हियर x इज इक्वल टू क्या है x, a इज इक्वल टू क्या है 9 और b इज इक्वल टू क्या है नेगेटिव 12। तो क्या हो जाएगा, सो x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस नेगेटिव 12 टाइम ऑफ x प्लस 9 इंटू नेगेटिव 12, यही होगा ना। इसके अकॉर्डिंग क्या था, x स्क्वायर a प्लस बी, a क्या है 9, b क्या है नेगेटिव 12 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ए क्या है 9, b क्या है नेगेटिव 12 है। इसे ओपन करें, व्हाट वी गेट, x स्क्वायर 9 प्लस नेगेटिव 12 कितना हो जाएगा 9 नेगेटिव 12 दैट इज नेगेटिव 3 इंटू एक्स 3x, और 9 इंटू नेगेटिव 12 दैट इज नेगेटिव 108 दैट इज दस एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3x नेगेटिव 108 इज ए रिक्वायर्ड आंसर। ओके नाउ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, दूसरा क्वेश्चन क्या है 3 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x, तीसरा क्या है 3x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर, फोर्थ क्या है x माइनस 1 अपान 10, x प्लस 1 अपान 10, फिफ्थ क्या है x प्लस 4 बाई 3 इंटू x प्लस 14 बाई 3, सिक्स क्या है x माइनस 4 इंटू x माइनस 8। ठीक, इसे सॉल्व करना, एक सेवेंथ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 8 दे रहा हूँ, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके ट्राई टू सॉल्व इट, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप या गिव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके थैंक यू एवरीवन।